अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार का ब्लूप्रिंट तैयार हो गया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के सूत्रों के मुताबिक मुल्ला बरादर अफगानिस्तान की नई सरकार की कमान संभालेंगे। वहीं तालिबान के फाउंडर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब और साथ ही शेर मोहम्मद अब्बास स्टेन कज़ई को भी तालिबानी सरकार में अहम पद दिए जाएंगे। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड सुपरमार्केट में शुक्रवार को एक हमलावर ने चाकूबाजी करके 6 लोगों को घायल कर दिया। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जसिंडा अर्डन ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। शायर मुनव्वर राना दोहरी मुसीबत में फंस गए हैं। धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने राणा की याचिका खारिज कर दी है। दूसरी तरफ राणा की तबीयत भी खराब हो गई है। उन्हें लखनऊ PGI हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। राणा ने महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से की थी। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने 3 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजनाओं को स्पष्ट करने के लिए कहा। पूर्व वित्त मंत्री ने भी सीतारमण को लताड़ा, दावा किया कि केंद्र की योजना दिन के उजाले की डकैती है। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 दिनों में आतंकियों ने लगातार 2 बार घुसपैठ की कोशिश की है और दोनों ही बार भारतीय सेना ने आतंकियों की इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। फिरोजपुर में तो आज पुंछ सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की। रिपोर्ट के अनुसार पुंछ सेक्टर में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को भारतीय सेना ने LOC पर नाकाम कर दिया। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि जिन परीक्षाओं और भर्ती पर हाईकोर्ट ने लगाई है उसमें रोक रहेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने गुरुवार को कहा कि अब देश में अब तक कोविड के डेल्टा प्लस वेरिएंट के लगभग 300 मामलों का पता चला है। वर्तमान कोविड स्थिति पर एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि उनके पास शुरुआत में डेल्टा वेरिएंट के लगभग 60 से 70 मामले थे और अब लगभग 300 मामले हैं। भूषण ने यह भी कहा कि टीकों को प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया है और वो डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं। देश में बीते 24 घंटे में 45,624 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वहीं 34,665 लोग रिकवर हुए हैं। इस दौरान 355 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल देश के अलग अलग अस्पतालों में 393,531 लोगों का इलाज चल रहा है। अपने नवीनतम अपडेट में यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग ने खुलासा किया कि कोरोना के वैश्विक मामले बढ़कर 21,83,00,000 हो गए हैं और 45,00,000 लोगों को इस महामारी से अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं महामारी से बचाव के लिए कुल 5 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। बता दें कि जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने इन आंकड़ों को साझा किया है। अमेरिका में चक्रवाती तूफान एडा ने तबाही मचा दी है। 4 दिन पहले अमेरिकी शहर लुइसियाना से टकराने के बाद यह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, फिलाडेल्फिया और पेंसिल्वेनिया समेत उत्तरी अमेरिकी राज्यों तक पहुंच गया है। देश में करीब 6 करोड़ लोग बाढ़ से जूझ रहे हैं जबकि 3 लाख घरों की बिजली गुल है।